कैंट पुलिस ने रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर गणेश चौराहे के पास सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विजय मिश्रा पुत्र रविन्द्र मिश्रा निवासी जंगल एकला नंबर 2 थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर हाल पता मोहल्ला PWD बंगला नंबर 11B सिविल लाइन थाना कैंट जनपद गोरखपुर। दूसरा अशोक उपाध्याय पुत्र कैलाश उपाध्याय निवासी ग्राम पोस्ट अड्डिला थाना मईल जनपद देवरिया हाल पता मोहल्ला PWD बंगला नंबर 11B सिविल लाइन थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय गोरखपुर में भ्रष्टाचार के संबंध में जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान व जनता द्वारा मिल रही लगातार शिकायतों के क्रम में रजिस्ट्री कार्यालय गोरखपुर में चल रहे स्टाम्प बिक्री संबंधित फर्जीवाड़ा के संबंध में थाना कैंट जनपद गोरखपुर पर जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जांच व स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर तहसीलदार सदर गोरखपुर द्वारा दिनांक 10 अप्रैल को दो अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया तथा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, हेड कांस्टेबल अमित सिंह, धीरज सिंह, कांस्टेबल रोहित सिंह, महिला कांस्टेबल शैलेंद्र जी शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, तू कहां गए? बीमारपुर गए ना? ये कौन काम किया था? और हुआ ना? ओ राज सरकार सरकारी करके अरे अंदर सेटिंग होगा तभी ना काम करा। अरे कहां गए नहीं है क्या? हम तो जाने दीजिए सर। लेते हैं हां उनको भी ले लेते हो इंस्पेक्टर नहीं वो साहपुर वाले भी वो एक ही तरह के मामले में आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान जो है ये उपाय सही है शहर तो जान ही नहीं पाएगा कौन थे वो भ्रष्टाचार में। जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया गया, उसमें ये पता चला है कि ये दो व्यक्ति हैं जिनके नाम है विजय मिश्रा और अशोक उपाध्याय। ये लोग जो हैं स्टाम्प पेपर से संबंधित फर्जीवाड़ा करते थे और पैसे को लेकर के जो कुछ कमियां पहले तो कमियां बताते थे और कुछ कमियां पाई जाती थी पैसे लेकर उनको नज़रअंदाज कर देते थे। इस क्रम में जो है मुकदमा अपराध संख्या 216/22 धारा 419-20 467-68-71 384-120-B 409 जो पंजीकृत किया गया है 7/13/8/9 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इसके अंदर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में इनको आज गिरफ्तार किया जा रहा है और गणेश चौराहे के पास से 11:15 पर दिनांक आज दिनांक 11/4/22 गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। ये प्राइवेट है प्राइवेट कर्मचारी। देखिए इसमें कई इसकी पूरी जांच चल रही है, कई मुकदमे हैं इसमें और अभी एक और खुलासा इसमें किया जाएगा थोड़े समय में। ये इसमें तो दो ही हैं, विजय मिश्रा हैं और अशोक उपाध्याय हैं। इसका आपराधिक इतिहास इनका भी खंगाला जा रहा है और जैसे आपको हमें पता चलेगा आपको सूचित किया जाएगा। सर किस तरह से ये हुआ? जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग स्टाम्प पेपर वगैरह में कमियां निकालते थे और अगर कमियां नहीं भी होती थी तो भी उनसे पैसे लेते थे और पैसे लेने के बाद कमियों को नज़रअंदाज भी कर देते थे। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत ही कड़ी कार्रवाई की गई है और जिलाधिकारी महोदय का जो अभियान है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई हुई। देखिए पूरे मामले की सभी एंगल से जांच चल रही है और आपराधिक इतिहास भी निकाल रहे हैं, तो जो भी इसमें पाया जाएगा संलिप्त पाया जाएगा सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।